आज हम लोग बहुत स्पेशल ट्रिप में आ रहे हैं, मैं और मेरे दोस्तों के साथ NIT से। मैं हाफलॉन्ग के लिए आ रहा हूँ, तो मेरे पीछे देखते हैं हम लोग हाफलॉन्ग, अभी सिलसा से ट्रेन लेके हम हाफलॉन्ग पहुँच गए हैं। तो पीछे ये खूबसूरत हाफलॉन्ग का रेलवे स्टेशन है। तो हम लोग का बहुत गर्मी था सिलसर में, लेकिन यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा लग रहा है और आज हम लोग बहुत कुछ एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। हम लोग का होटल है, बहुत अच्छा बजट होटल है। और ये मेरे दोस्त के साथ हम लोग अभी कुछ खाने के लिए निकल रहे हैं, मतलब आज इतना ज़्यादा नहीं घूमनेंगे। हम लोग अभी टाउन एक्सप्लोर करेंगे ना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग्स है सरोवर, और मतलब ये स्मॉल टाउन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम हाफलॉन्ग आ रहा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ और ज़्यादा मज़ा आएगा। और आगे निकल रही हम लोग, हिल्स स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एक वाटरफॉल दिख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग अपना फर्स्ट स्पॉट यानी जातिंगा का एथनिक विलेज, जो कि फेमस व्यू पॉइंट है यहाँ पर, वो पहुँच चुके हैं। मेघालय जो पार्क एंटर कर रही है, आपको बहुत ही खूबसूरत सा पीसफुल ये फ्लावर्स दिखेंगे, सारी और ग्रीनरी है, बहुत दूर तक वो हिल्स दिख रहे हैं आप लोग, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आके मतलब माइंड पूरा काम और फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा जगह है और फ्रेश नेचुरल एयर है, बहुत ही कूल है, आज वेदर भी बहुत अच्छा है। तो लेट्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और उस साइड में आपको पार्क दिख रहे हैं, पार्क में भी हम लोग बहुत कुछ फोटो खींचेंगे। तो ये मतलब एक घर का डिजाइन है, कुछ एक मॉडल विलेज है, मतलब यहाँ का गांव में लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या क्या, खाना बनने का तरीका है, और सब कुछ पूरा हाउस का एक मॉडल है। ये नेक्स्ट हमारे को जी संगी एने थके हेलो। लोग एक स्ट्रीम और वाटरफॉल्स के जैसा देखते हैं। मानो आसे ये बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन बहुत खूबसूरत प्लेस है ये।
सुंदर सुंदर जगह है ये। आप लोग के पास ही जतिंगा की रोड में ये वाटरफॉल्स की जैसा स्ट्रीम है, पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा सुंदर। हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ फोटो खींचे हैं और हम लोग बहुत मस्ती भी किए हैं। हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे लेकिन अभी रिक्स है तो इतना नहीं जाएंगे। हाय गाइस, ओके थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, बाय जतिंगा। हम भी जतिंगा का बर्ड वॉचिंग सेंटर में है। यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ वीडियो को इसलिए नंबर वाओ क्या नजारा, ये मेरा पीछे देखिए पहाड़ों के ऊपर देखो। तो बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ फोटो खींचे हैं यहाँ में। तो अभी व्यू पॉइंट जानते हैं, चलिए लेट्स गो। बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पर, बहुत ही कूल प्रेजेंट वेदर है। तो मैं जब भी आप लोग हैं तो ये प्लेस जरूर एक्सप्लोर करिए। ये जतिंगा के पास में है, ये में एक बहुत हिस्ट्री है, बहुत साइंटिस्ट यहाँ पे एक रीजन के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं बहुत सालों से यहाँ तक सुसाइड पॉइंट है ये। तो यहाँ में मतलब पूरे रीजन ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च भी किया था। और भी यहाँ पर जहाँ अगर बर्ड्स का डेड बॉडी आपको मिल जाएगा, जैसे हिल्स के जैसे बहुत लोग बोलते हैं हिल्स में टकरा के बर्ड्स गिर जाते हैं ऐसे कुछ, लेकिन रियल रीजन बहुत भी कुछ से हो सकते हैं। तो अभी के लिए लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस, लेट्स एन्जॉय इट, लेट्स एक्सप्लोर हाफलॉन्ग एंड हिमेडो। अभी हम लोग आ चुके हैं जो दिमाग सा व्यू पॉइंट है, और यहाँ पर एक बहुत ही आपको खूब स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा। वो दूर में आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वो एक वाटरफॉल्स है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है, खूबसूरत नज़ारा है ना गाइस। I really love Dimasao. Because why? Because of this. Because of this beauty. It's really awesome. You can enjoy and really feel this place is very serene. It's beautiful. And whenever you have stress in life, just come here and feel the. It's so peaceful. It's so cold and peaceful here. You'll love it, guys. कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, हवा चल रहा है ना, ठंडा ठंडा, वाह क्या। रोशन सितारा मिला तकदीर की। वाओ गाइस, ये भी आप लोग व्यू पॉइंट में आप लोग हैं अभी, तो मैं अभी से देख सकते कितना खूबसूरत व्यू है। ठीक है, वो दूर में जो दिख रही है ये रेलवे ब्रिज है, और ये रिफरदार है देखिए, और ये स्टेशन है आप लोग। मेरे दोस्त लोग यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं। हम लोग का वीकेंड बहुत स्पेशल हो रहा है, और अपने वेदर भी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा है। अभी हम लोग का हाफलॉन्ग का नेक्स्ट स्पॉट है ये, और ये बहुत फेमस स्पॉट है क्योंकि ये मतलब सर्किट हाउस है हाफलॉन्ग का। ये एक ब्रिटिश एरा का मतलब एक बिल्डिंग था जिसको अभी सर्किट हाउस बनाया गया है, सर्किट हाउस। और इसके जस्ट अपोजिट में आपको ये खूबसूरत सा रेलवे ब्रिज दिखेगा दूर में, पहाड़ों के बीच में वो एरिया बैठने के लिए जगह है। और नीचे एक पार्क भी है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। हम लोग थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट स्पॉट पे आ चुके हैं, ये है हाफलॉन्ग का फेमस लेक, खूबसूरत सा लेक है। और अब लेक को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद लॉन्च करेंगे। वो अच्छा है हैंगिंग ब्रिज, ये हिल रहा है ब्रिज पूरा लेक के ऊपर, देखिए चारों बहुत खूबसूरत सा लेक है, और ये पूरा ब्रिज हैंगिंग हो रहा है। हाफलॉन्ग आने से आपको एक चीज़ तो जरूर ट्राई करना है, यहाँ का जो फूड, लोकल डिलीशियस ट्राइबल फूड्स, जो आपको यहाँ पर भैंस थाली हो या चिकन थाली, पोर्क थाली, सब कुछ बहुत स्पेशल है। तो अभी के लिए हम लोग मिल एंजॉय करते हैं और मिलते हैं। आशा करता हूँ आपका वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। भैया लगाना।
बहुत मस्ती बहुत भाव।